दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केले के बारे में। दोस्तों केला आपको कैसे खाना चाहिए, वजन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या वजन आप घटाना चाहते हैं तो केले को आप किस तरीके से खाएं, सुबह दोपहर या शाम। दोस्तों केला काफ़ी हद तक आपको वजन बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि ज़्यादातर लोग केले को वजन बढ़ाने के लिए खाते हैं, और दोस्तों ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि अगर आप केले को वजन बढ़ाने के लिए खाते हैं तो ये गारंटीड है कि अगर आपने केले को सही तरीके से खा लिया तो ये आपका वजन 100% बढ़ा देगा। क्योंकि दोस्तों केले में मौजूद शुगर आपको वजन बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। जो लोग जिम करते हैं या कहीं पर भी कसरत करते हैं, वो अपने घर भी कसरत करते हैं या बाहर पार्क में करते हैं, ऐसे लोग जिम करने के बाद या कसरत करने के बाद एक केला ज़रूर खाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी में जो स्ट्रेच आ जाती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें केले को हल्का कच्चा केला खाना चाहिए या ज़्यादा पका हुआ केला खाना चाहिए या केले को किस तरीके से खाना चाहिए, जिससे कि उन्हें एक अच्छी बॉडी नहीं बन पाती, उनका वज़न नहीं बढ़ पाता और वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं क्योंकि वो जैसा चाहते हैं वैसे अपने शरीर को नहीं बना पाते हैं। दोस्तों जो लोग बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं उन्हें केले का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें कम पका हुआ केला खाना चाहिए या उन्हें ज़्यादा पका हुआ केला खाना चाहिए जिससे कि वो अपना वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा सकें, एक अपनी अच्छी बॉडी बना सकें, तो दोस्तों इसी के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। पहले हम बात करेंगे कि केला आपको किन किन बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। अगर आपको नींद आने की समस्या है या आप काफ़ी हद तक डिप्रेशन में रहते हैं या आपको चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं या आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आपका पेट भरा हुआ रहता है, आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो अगर आप केले का सेवन करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होती हैं क्योंकि केले में मौजूद फाइबर काफ़ी हद तक आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है जिससे कि आपको भूख भी जल्दी लगती है और पेट से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं होती। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आयुर्वेद में आपको केला खाने की काफ़ी छूट दी गई है, पर केला आपको खाना किस तरीके है ये आपको बताया गया है। आप केले को हल्का पका हुआ केला ही खाएं क्योंकि उसमें शुगर बहुत कम होता है, इसीलिए आपको हल्का केला खाने की सलाह दी जाती है। अब बात करेंगे हम कि केले को आपको कब और कैसे खाना चाहिए। अगर मॉर्निंग की बात करें तो अगर आप मॉर्निंग में रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं या आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं तब भी आप सुबह में केले को ज़रूर खाएं। आप शेक बनाकर भी केले का पी सकते हैं। अगर आप रनिंग या जिम करते हैं तो आप प्री वर्कआउट में या पोस्ट वर्कआउट में भी केले का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोपहर की कि क्या आप दोपहर में भी केला खा सकते हैं, तो दोस्तों हाँ आप दोपहर में भी केला खा सकते हैं और यह आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी देगा। आप खाना खाने के बाद केले का सेवन करें क्योंकि जब आप केले का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर आपके खाने को काफ़ी हद तक डाइजेस्ट कर देता है जिससे कि आपका खाना आसानी से पच जाता है और आपको भूख जल्दी लगती है। आप जल्दी खाना खाएंगे तो आपका वज़न भी बहुत जल्दी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको रात में केला खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रात में केला खाने के काफ़ी सारे नुकसान हैं, पर दोस्तों जो लोग जिम करते हैं वो पोस्ट वर्कआउट में केला का सेवन ज़रूर करते हैं, पर वो केले के साथ में काफ़ी सारी गर्म चीज़ें जिनकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है जैसे कि नट्स हुए या वो साथ में कोई भी सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करते हैं जिससे कि केले की तासीर ठंडी होने के बाद भी वो उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं देती है और वो एक अच्छी बॉडी बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम एक नॉर्मल आदमी की कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो वो रात में केले का सेवन कैसे करे। तो दोस्तों रात में जब आप केले का शेक बना कर पिएं और उसमें कुछ नट्स ज़रूर मिला लें जिससे कि बैलेंस हो जाएगा, ज़्यादा उसकी तासीर ठंडी नहीं रह जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएंगे और आप एक अच्छी बॉडी बना पाएंगे अगर आप रात में केले का सेवन करते हैं। अब तक वीडियो में हमने बात की कि केले को कब और कैसे खाना चाहिए, और अब हम बात कर लेते हैं कि केले को कितना खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें सही क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कितनी खानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो आप कम से कम 3 से 4 केलों का सेवन कर सकते हैं जिससे कि आप भी एक अच्छी बॉडी बना सकें, आप अपना वज़न बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा सकें। पर ध्यान रहे दोस्तों आपको पके हुए केले का सेवन करना है, आपको कच्चे केले का सेवन नहीं करना है। कम पका हुआ केला खाने की सलाह ज़्यादातर उन लोगों को दी जाती है जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केले का वज़न कम करने से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाते हैं तब आप बहुत ही आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आप केले का सेवन करना चाहते हैं तो आप केले को मॉर्निंग में ज़रूर यूज करें। आप जब मॉर्निंग में केले का सेवन करेंगे तो कुछ टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी जिससे कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा सकेंगे।
तो वीडियो को आप शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।